हेलो, लेट अस गेट रिड ऑफ नेगेटिविटी। हमारे अंदर जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, जो नेगेटिव हैं, उससे मुक्त होने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे ज़िंदगी जो है संवर जाती है। वील फील आर लाइफ मच बेटर, वील फील लाइटर, विल बी हैप्पियर इन केस वी गेट रिड ऑफ आवरसेल्व्स ऑफ नेगेटिविटी। Now, today's session is going to be something about this. So, let us see a particular root word which has got something to do with the word negative, or how do we get rid of this. Not exactly negative, but something related to this. J-E-C-T, or you can say J-E-T, is a root word which means throw. Now, you are starting getting some words, right? सो आपने देखा होगा कोविड में इंजेक्शन देते हैं, दैट कम्स लॉट ऑफ वर्ड्स देयर। कम ऑन, स्टार्ट मेकिंग, थिंक, पॉज दिस वीडियो फॉर अ सेकंड और टू सेकंड्स एंड थिंक सम ऑफ द वर्ड्स, थिंक ऑफ सम ऑफ द वर्ड्स विच हैव जेईटी और जेईसीटी देयर। जेटीसनिंग, लेट अस जेटीसन अ बैड थॉट्स, लेट अस गेट रिड ऑफ अ बैड थॉट्स। जेटीसन इज टू डिच और टू डंप। पुराने जमाने में जब समंदर में लोग जाते थे और जहाज का वजन काफ़ी हो जाता था, तो कप्तान जहाज का यूज टू ऑर्डर थ्रोइंग ओवरबोर्ड ऑफ कार्गो सो दैट द शिप्स फ्लोट। दैट इज कॉल्ड जेटीसन, गेट रिड। दैट्स व्हाई आई सेड लेट अस गेट रिड ऑफ सर्टेन नेगेटिविटी। हमारे अंदर जो भी चीज़ें हमें सता रही हैं उसको हम निकाल दें तो हमारा जो है दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा। प्रोजेक्ट, द वर्ड प्रोजेक्ट कैन बी प्रोनाउंस्ड इन टू वेज। One is the teacher gave me a project. When we say the teacher gave me a project, you're talking of a task. Come on, project it. When you say project it, you're using it as a verb, which means you're asking someone to show or to throw. So a word like projectile, something which can be thrown at someone or at something, is called a projectile. You call it a cannonball, you call it a shell, right? And the path that particular object takes to reach, आप जब क्रिकेट बॉल एक फील्डर बाउंड्री लाइन से विकेट कीपर के पास थ्रो करता है तो बॉल सीधी नहीं जाती है, वो थोड़ा सा कर्व शेप लेती है। दैट इज कॉल्ड अ ट्रेजेक्ट्री, विच इज अ पाथ और अ कोर्स। इजेक्ट, आपने देखा होगा आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में कहीं पर भी इजेक्ट होता है। समटाइम्स वी सी द प्लेन crashed or the plane caught fire and the pilot ejected. So eject is to come out, right? It ejected lot of things. The mountain ejected lava. Lava feka. Wo jo pahad hai, usne feka. So it means to discharge or to spew. You also call it vent it out or emit. Inject. Injected. Now it is not good on a part to inject bad thoughts into children. Rather, we should inculcate good habits in them. So when you say inject, it is an injection banaye. You administer a dose. Wo medicine jo hai, aapke sharir ke andar fenka jata hai ek injection ya syringe ke madhyam se. That is why it's called inject or injection. Right? Reject. He has been rejected in the interview. I reject your views. मतलब आपके जो विचार हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ। That is called reject. Now rejection should not lead to dejection. Just because someone told me that I am not fit for the job does not mean I will get dejected. It's fine, it's human nature to get dejected. लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप उसी को लेकर दिन भर रात भर या कई दिन, कई सप्ताह, कई महीने बैठे रहते हैं। अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा तैयार करिए, प्रिपेयर योरसेल्फ वेरी वेल, रीड अ लॉट एंड आई एम श्योर यू विल बी सिलेक्टेड नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू और फॉर एनीथिंग एल्स। कंजेक्चर, समवन आस्क्ड अ पर्सन हाउ मेनी स्टेप्स डिड यू क्लाइंब कमिंग टू द फर्स्ट फ्लोर। ही सेड 18. Did you count? He said, no, sir. That was a conjecture. Now, what is a conjecture?
कंजेक्चर इज नथिंग बट गेस, गेस वर्क. यू ऑल्सो कॉल इट सरमाइज. सरमाइज ऑल्सो मीन्स गेस. सो समटाइम्स यू गेट वर्ड्स लाइक दिस, कंजेक्चर और टू गेस और टू सरमाइज और टू स्पेक्यूलेट, दे मीन द सेम थिंग. सो द वर्ड्स यू आर फाइंडिंग ऑन द स्क्रीन इन द ग्रीन आर द रूट वर्ड्स, वर्ड्स मेड ऑफ द रूट वर्ड्स, एंड इन द ब्लैक आर दोज वर्ड्स विच आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड्स. Now, how do you learn these words? Pause the video for a few seconds. Don't mug them up. Have a look at those words, and I'm sure you will find that continuously looking at such words for a couple of days will ensure you are able to put them in your minds. Automatic वो दिमाग में चला जाएगा. ठीक उसी तरह जिस तरीके से आप अपने दोस्तों के नाम याद रखते हैं, आपके टीचर्स के नाम याद रखते हैं, आप फिल्म स्टार्स के नाम याद रखते हैं या तो फिर स्पोर्ट्स स्टार्स के नाम याद रखते हैं, ठीक उसी तरह आपके दिमाग में ये सारे शब्द जो हैं बैठ जाएंगे. फिर जब वक्त आएगा इनका इस्तेमाल करने का, चाहे वो स्पीच में हो या एग्ज़ाम के वक्त हो, यू विल फाइंड दैट इट बिकम्स हैंडी फॉर यू. लेट्स मूव अहेड. लेट्स हैव वन मोर वर्ड, ऑब्जेक्ट. किसी वस्तु का नाम होता है. आई ऑब्जेक्ट टू व्हाट यू से, इसका मतलब मैं प्रोटेस्ट करता हूँ. लेट्स हैव सम फन टाइम. इस बार मस्ती थोड़ी जल्दी करेंगे. मैथ एंड फिजिक्स पेपर ऑन द सेम डे वॉज अ ड्यूअल ड्यूअल फॉर मी. अब बताइए, मैं एक तरफ मैथ से एक तरफ फिजिक्स से और एक ही दिन है, सुबह मैथ दोपहर में फिजिक्स, सो मेरे पास जो है दो चैलेंज हो गए ना. ड्यूअल, DUAL का मतलब दो, DUEL का मतलब किसी प्रकार का फाइट. सो ड्यूअल ड्यूअल, दो फ्रंट में मुझे लड़ना पड़ेगा. ऑलराइट. You have the word, I saw the flea, flea. Flea, एक प्रकार का कीड़ा, मक्खी की तरह. Flea, भाग गया. वो मक्खी, जो कीड़ा जो है वो भाग गया. Morning in the morning is not, सुबह सुबह क्यों रोते हो यार. We say tell sometimes. अरे अच्छी बातें करते हैं, हंसी मजाक करेंगे, चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, रोनी सूरत क्यों मना रखी है सुबह सुबह. So morning in the morning absolutely is not at all good. All right? We should be very cheerful. The censor board censured the director. जब आप फिल्म देखते हैं तो एक सफ़ेद स्क्रीन में आता है CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. तो एक संस्था है जो फिल्म देखती है और उसके बाद वो लोग साइन करते हैं, तब जाके फिल्म रिलीज होती है. Censured the director. शायद डायरेक्टर ने कुछ ऐसा फिल्म में जोड़ा होगा जिसकी वजह से उनको और डायरेक्टर को उनकी बात सुननी पड़ी. पेंड, पेंडेंट खरीदा होगा आपने, या तो फिर पापा ने मम्मी के लिए खरीदा होगा, भाई ने बहन के लिए खरीदा होगा, या किसी बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के लिए खरीदा होगा. पेंडेंट आपने सुना होगा, यहाँ पे लटकता है. सो PEND, पेंड इज हैंग. सो यू हैव वर्ड लाइक पेंडुलम. वो ऐसा अक्सर टिक 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 होता रहता है, घड़ी में घूमता रहता है, आगे पीछे इधर से उधर, बाएँ से दाएँ, दाएँ से बाएँ. डोंट डिपेंड ऑन अदर्स. किसी पे निर्भर मत रहिए, स्वावलंबी बनिए. बी डिपेंडेंट ऑन योर ओन सेल्फ, देन यू फाइंड दैट थिंग्स विल मूव एंड मूव फास्टर. सो डिपेंडेंस टू हैंग ऑन और रिलाय ऑन समवन. सस्पेंड, सस्पेंड के दो मीनिंग होते हैं. द पुलिस इंस्पेक्टर वॉज सस्पेंडेड, इसका एक मीनिंग अलग होता है. द रोप वॉज सस्पेंडेड बिटवीन द टू पोल्स, इसका मीनिंग अलग होता है. राइट, ओके. नाउ फाइंड आउट वॉट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू वर्ड्स. अपेंड, सो वी से अपेंडिसाइटिस. डॉक्टर ने अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन किया. शायद पेट के अंदर कोई ऐसा चीज़ हो जिसकी ज़रूरत नहीं है, ग्रो हो गया है, तो डॉक्टर काट के उसको निकाल देता है. अपेंड इज ऑल्सो टू अटैच और अफिक्स. अब जब कोई मेल वगैरह भेजते हैं साथ में अटैचमेंट भेजते हैं तो उसे कहते हैं अपेंड. इम्पेंडिंग, द मैनेजर could understand the impending danger. आने वाले खतरे का आभास उस मैनेजर को हो गया था, इसलिए उसने ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से किसी को नुकसान नहीं हुआ. सो समथिंग विच इज लूमिंग, समथिंग विच इज इमिनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पेंडिंग. सो वी हैव लर्न्ड समवेयर अराउंड 25+ वर्ड्स टुडे. इफ वी कीप ऑन लर्निंग एट दिस पेस, nothing can stop you from doing well in your examinations.
That's all. This is Bhimsenia signing off for the day. Take care of yourselves. Goodbye.